भी दौलत का अधिकारी, कुल की शोहरत का अधिकारी। मन्नत मांग प्रसाद चढ़ाए, अभिलाषा है सबकी। उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? हमारा तो एक ही सपना है, हिंदुस्तान की तबाही। और इसी सपने को साकार करने के लिए हमने तुम्हें चुना है बिलाल खान। इंशाल्लाह हिंदुस्तान पर फतेह करने के लिए बिलाल खान अपनी जान भी लड़ा देगा। ओए! लगता है तुम्हारे खेमे में कोई गद्दार घुस आया है। ये फिकवासी तुम सुन रहे हो ना? उस गद्दार को छोड़ना नहीं। सुल्तान, हमीद, अशरफ, देखो ओए, ये कौन गद्दार है? हेलो हेलो जयप्रकाश, मैं अफरोज एजेंट बोल रहा हूँ। बॉर्डर स्टेट पर कुछ आतंकवादी अपना अड्डा बनाए हुए हैं। आप घबराइए ना, मैं उन पे नजर रख रहा हूँ। उनके मंसूबे ठीक नहीं लगते। हाँ? बिलाल खान के साथ गद्दारी का मतलब मौत है। ओए के साहब। यस। अस्सलाम वालेकुम। बंदे को कयामत खान कहते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। बस जनाब, आपकी खिदमत का मौका चाहिए, बाकी बातें आपको मैं समझा देता हूँ। हाँ बोलिए, मुझसे क्या काम? जी ऊपर तो चलिए। Thank you.
बस अब हिंदुस्तान घुसने का एक ही रास्ता है और वो है राजस्थान। पर वो जमीन दो रजवाड़ों की दुश्मनी की वजह से बंद पड़ी है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जो ये रास्ता खोल सके? है एक रास्ता। अपने मुखबर को इस काम के लिए लगा तो दिया है। के साहब है कोई मुंबई में? उनसे बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बात बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ कयामत भाई, सलाम वालेकुम। के साहब से बात हो गई है? वो राजी हो गए हैं हमारे साथ वो डील करने के लिए। मैंने उनको राजी कर लिया हूँ और हमें हिंदुस्तान में घुसने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आमीन आमीन आमीन। हाय सपना। ओह हाय हैंडसम, आई लव यू विकी। हाउ आर यू? मैं बहुत खुश हूँ विकी, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि तुम मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके इंडिया वापस आ रहे हो। यस यस, कल होने वाली बेगम के साथ हम इंडिया में लंच साथ साथ करना चाहते हैं, इजाजत है? आई एम वेटिंग फॉर यू विकी, आई एम वेटिंग फॉर यू। भाई हम दुबई से आपके लिए क्या क्या लाए? बस विकी, मेरे लिए मेरा प्यारा सा छोटा सा दिल लेकर आओ। कान भाई, दुबई से फोन आया। मैं हूँ दुबई में, तुम मुंबई में, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ मैं। मैं हूँ दुबई में, तुम मुंबई में, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ मैं। रजवाड़े खानदान का चिराग हमारे निशाने पे है, कह तो उड़ा दू। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। अगर रजवाड़े खानदान का चिराग ही बुझ गया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, सरकार के पास वो जमीन चली जाएगी। पगले दिल दीवाना है पागल, करता है मीठी मीठी बातें, तेरे बिना मेरी जान कटती नहीं दिन रात। दिल दीवाना है पागल, करता है मीठी मीठी बातें, तेरे बिना मेरी जान कटती नहीं दिन रात। मैं हूँ दुबई में, तुम मुंबई में, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ मैं। मैं हूँ मुंबई में, तुम हो दुबई में, दिल्ली की आओ मेरा और क्या बताऊँ मैं। मैं हूँ मुंबई में। तो एक काम कर। जी भाईजान। उसको किसी भी हालत में दुबई से मुंबई भेजने की कोशिश कर, डरा कर, धमका कर, समझा कर,
ठीक है भाईजान, इधर उधर गोली मार देता हूँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरी यादों में खोई हूँ, सूझता कुछ नहीं है, तेरे बिन मेरे साजन भाता कोई नहीं है। तेरी यादों में खोई हूँ, सूझता कुछ नहीं, प्यार में इतना दूंगा जाने कर दूंगा कमी पूरी, ना तरसा अब जल्दी आजा तुझको कसम है मेरी। आई एम इन दुबई, यू आर इन मुंबई, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं मैं। ला 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 ला। सरकार आ गए, अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, दरवाजा खोलो, अरे जल्दी चलो, वही खड़े क्या हो, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से, अरे सुन तुम, अरे जाओ भी जल्दी यार। हेलो पवन अंकल, सरकार का अपने बंगले में स्वागत है। आइए हुजूर, आइए। आइए हुजूर, आइए। आपके बंगले में आपका स्वागत है। क्या पवन अंकल, आप भी ना, अभी आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती कि हम सरकार हैं। अब देखिए ना, आपके पास कार है और मैं बेकार हूँ, आपके पास बंगला है और मेरे पास जंगला भी नहीं है। अरे आप तो रियासत के मालिक हैं और हम आपके नन्हे से मुन्ने से मोटे से गुलाम हैं, और उस वक्त से है जब आप नन्हे से मुन्ने से नोटी नोटी से थे। लेकिन अंकल अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, आप तो आप बड़े हो गए। सच कहूँ अंकल, लेकिन मुझे बड़ा करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। वो तो है, अगर आप ना होते तो। अरे ना ना, इससे ज्यादा कुछ मत बोलो वरना मैं रो पड़ूंगा। चलिए जाइए, आप आराम कीजिए, जाइए जाइए, आराम करिए, हम आपके लिए खाने पीने की तैयारी करते हैं। अरे सुनो भैया, तुम खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो, जल्दी से खाना पीने की खाना पीना तैयार करो, जल्दी चलो 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 चलो, तुम भी आओ मेरे पीछे आओ, आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। राजा साहब, कुंवर साहब दुबई से वापस आ गए हैं, बस आप जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए, उनको एक अच्छी सी धर्म पत्नी मिल जाए और वो अपना विवाहित जीवन खुशी से गुजारे, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हेलो, गुड इवनिंग। जी हाँ, गुड इवनिंग। ये रहा आपका ब्रेकफास्ट, लंच तो मैंने कैंसिल कर दिया, डिनर अब तैयार हो रहा है,
अरे आप सपना के सपने में तो नहीं खो गए थे? सपना? ये भुर 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 क्या है? ये आप रख लीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। कितनी बार कहा है पवन अंकल कि जब हम आगे से जा रहे हो तो पीछे से टोका नहीं करते। सॉरी। आहा। थैंक यू। अरे कुंवर साहब कहाँ चले गए? अरे वो गए हैं अपनी सपना से हकीकत में मिलने के लिए। चुप, तुम्हें हंसने के अलावा कोई काम नहीं किया, चलो जाओ काम करो अपना। कहाँ है तुम्हारा विकी? पता नहीं विकी अभी तक नहीं आया, रिहर्सल भी खत्म हो चुकी है। ओके आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। माल लाए हो? माल तो लाया हूँ, बहुत ताजा है, चबा चबा के। कहाँ है? दोना। चखने के 2,000 रुपए और रखने के 5,000 रुपए। रखना है? रखना है कि चखना है? रखना है। पक्का? रखना है। 5,000? मेरे पास उतने नहीं, सिर्फ 3 है। अगर 3,000 रुपए है तो तुम बिन बजाते रहो, मैं चलता हूँ। प्लीज दे दो ना, तुम्हें पता है मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज कुछ करो ना। मैं खूबसूरत लड़कियों पे फिदा हूँ, तुम्हें चाहिए? प्लीज चाहिए। तो एक काम करना पड़ेगा, 2,000 रुपए के बदले में थोड़ा प्यार, ओके? और ये तुम पूरा रखो। और आ जाओ मेरे बाहों में। तुमने मुझे थप्पड़ मारा चबा चबा के, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विकी सरप्राइज, तुम आ गए? मैं विकी ही हूँ, विकी का भूत नहीं। हाँ तो फिर चलो लंच के लिए चलते हैं। बाय द वे, हु इज शी? शी इज माय बेस्ट फ्रेंड डॉली, कम हियर। He's my Vicky, you know. Oh, hi. Hi. चलो चलो पहले लंच के लिए चलते हैं, ओके? ओके। ओए पाड़ा सिंह गुरदासपुर आ गया। ए बाबू पाटला, हम हूँ कल्लू प्रसाद बिहार से। और मैं हूँ टिल्लू चबा चबा के। और मैं हूँ लिली जो उड़ाती है लोगों की खिली। तो ये उधार के टट्टू लाए हो विक्की से मुकाबला करवाने? टिल्लू उधार किसी का बकाया नहीं छोड़ता, चबा चबा के। और विक्की को भी आदत है
उधार देने की नचा नचा के। अन्ना हाले good meru princess anya mema mime meke ya vasi jaise mema meru vanun ram jan ki vaktam upayam your rascal कर बिहारी बाबू, हम हमारी गर्लफ्रेंडवा के सामने यहाँ बेइज्जती कराए खातिर आयल हैं का? अब लीली तुझे खा जाएगी चबा चबा के। अब सपना तुझे मारेगी घुमा घुमा के। कर पाटल्या तुला काय म्हणून जाऊन देतो की नाही आम्हाला काय समजत नाही का रे? ओए पापे बल्ले बल्ले चावा चावा ओए तुसी भंगड़ा करने आए हो कि फाइट करने? ड्रेस तो पंगड़े वाली पाई है तो पंगड़ा करो वे सुनिया फाइट वाइट विच कुछ नहीं रखिया नहीं नचदा देवा धर्म पाजी दा गुस्सा देखो ना बेहोश नहीं हो रहा है। बेहोश नहीं हो रहा है? अच्छा यस हो विक्की आई लव यू। हेलो धर्म अंकल। यस अपना बेटा हाउ आर यू? आई एम फाइन फैंटास्टिक। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त विक्की दुबई से अपना मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके इंडिया वापस आ गया है और इसी खुशी में मैंने आज केके क्लब में पार्टी रखी है। है ना खुशी की बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात है। और आज रात आपको केके क्लब में पार्टी में आना होगा क्योंकि मुझे अपने होने वाले सपनों की राजकुमार से आपको मिलवाना है। जरूर आऊंगा बेटा क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। सी यू बाय। सी यू देन बाय। बाय थैंक यू बाय। जानती है रानी माँ अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है।
क्या बात है छोटे, ट्रेन पे ड्रिंक किए जा रहे हो? कोई बड़ी डील की है क्या? क्या समझती अपने आप को? मैंने से पंगा चबा चबा के। कौन भाई कौन? भैया भैया क्या समझती है वो अपने आप को? भैया भैया वो कौन है भैया? वो यहाँ क्या कर रही है? अरे यार ये तेरे भाई का क्लब है, उसी ने तो पार्टी की बुकिंग की है, एंजॉय करती होगी है? एंजॉय एंजॉय तो मैं करूंगा उसका, मैं बताता हूँ उसको। हाय सपना। हाय नैना। आई गया ना तेरे सपनों का राजकुमार अखिल। हो एंजॉय पार्टी। ओके थैंक यू। वेलकम। हेलो जी। के साहब आपको मालूम है ना वो सोमगढ़ और सूरजगढ़ का दो रियासतों के बीच में फंसी हुई जमीन और प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बात किया था? हाँ हाँ मैंने किसी आदमी को डील के लिए भेजा भी था। हाँ उसी का बिजनेस मैनेजर सामने खड़ा है, ये धर्म सिंह है और उसी के हाथ में सब कुछ है। अब बाजी अपने हाथ में है, अब पत्ता फेंकिए। हाँ बाजी अपने हाथ में है। हाय सपना। हाउ आर यू? हाय विकी, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। ओके अभी मेरे अंकल आने वाले हैं तो मैं अपने अंकल से मिलवाऊंगी। ओके ओके। ओह अंकल मैं अभी आई, प्लीज टेक इट, मैं अभी आई। हाँ ओके ठीक है। ओके जी ओके। अरे वाह धर्म सिंह जी हमारे कलम में, हमारी तो किस्मत है। सॉरी मैं आपको के एक क्लब के मालिक के इनके ऑल इंडिया में सब शहरों में क्लब और होटल्स है। ये लीजिए उनका कार्ड। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे हम आपसे क्या चाहेंगे? अंकल अंकल आई एम हियर अंकल। आता हूँ बेटा। एक्सक्यूज मी। चाहते तो हम भी बहुत कुछ हैं। हाय सपना बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। आखिर आप आई गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, मेरे होने वाले राजकुमार से। ओके चलिए अंकल। लेकिन ये विकी विकी कहाँ गया? एक मिनट है अंकल, मैं देख कर आती हूँ। हाँ यस हाँ अरे अरे अभी तो यही था, कहाँ गया? अरे सपना बेटी तुम तो विक्की से मिलाने वाली थी ना, कहाँ है तुम्हारा विक्की? हाँ अंकल अभी यही था, पता नहीं। बेटी वो तो नहीं है तुम्हारा विक्की? पता नहीं क्या बुला दिया।
भाई। लो अभी तक सोई है सपना बिटिया। जागो सपना बिटिया, सुबह हो चुकी है। देखो तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए चाय बना कर लाए हैं। What a surprise! आपने चाय बनाई है? और रोमा कहाँ गई? और आप ये चाय बनाना कब से सीख गए? अभी 10 मिनट पहले। ये लो। अच्छा, thank you अंकल, my sweet अंकल। It's all right. एक बात कहूँ बेटा, कल रात को पार्टी में मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी मदद के लिए? जानती हो जब तुम छोटी सी तो मेरी गोदी में बैठकर खेला करती थी, मुझे धर्म अंकल कहकर बुलाया करती थी, कुछ याद है? हाँ, हल्का हल्का। वैसे तो अब तुम बड़ी हो गई हो मगर अब बिना दान हो, दुनियादारी की तुम्हें कुछ समझ नहीं है। लेकिन रात की पार्टी देखकर मैं कुछ समझ गया हूँ। मतलब कि आप हमारे बॉडीगार्ड बनना चाहते हो? ऑफ कोर्स बॉडीगार्ड। हेलो धर्म सिंह जी। प्लीज सिट डाउन। ये हमारा छोटा भाई टीलू। चबा चबा के। ये इनका तकिया गलाव। कहिए केके साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें आपके इजाजत का एक कोना चाहिए, कीमत आप बताइए। सॉरी मिस्टर केके, इस टॉपिक में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नो विक्की, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, रियली। ऐसी क्या बात हो गई? दिस इज नॉट डन विक्की, दिस इज नॉट डन। मेरे अंकल बहुत डिसिप्लिन माइंड के हैं, और उस दिन रात की हरकत, नो वे। मेरी भी तो कुछ सुनो। उस रात जो मैंने शराब पी थी वो दरअसल सर्व तो तुमने ही की थी। अब बताओ इंसल्ट किसने किसकी की? नाउ टेल मी। पर वो ड्रिंक तो मैं, मुझे वेटर ने लाके दी थी। हेलो पवन राज जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। पहले खाना खत्म करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए भाई पवन जी, आपके सूरजगढ़ के वफादारी के किस्से तो यहाँ तक फैले हुए हैं। अपना तो मिजाज ही ऐसा है, खाने पीने में तो फिर है मिजाज। ठीक है,
कुछ दाम की भी बात कर लें? हाँ, वो सूरजगढ़ की जो 500 एकड़ जमीन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी बात चल रही है तो उसकी डील आप कर लीजिए, हम अपनी सारी जमीन आपके नाम कर देते हैं। ओके, डन डन डन। डॉली डॉली माय डार्लिंग डार्लिंग डॉली, ये लो मैं तुम्हें खिलाता हूँ पॉप लॉली, और फिर तुमको मैं दूंगा एक गोली है? लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं सपना से मिलाऊंगी, वो कहा है? तुमने तो मिलाया ही नहीं है। मिलवाऊंगी ना, मिलवाऊंगी। कब 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 मिलाऊंगी? मिलवाऊंगी ना, पहले मेरा एक महीने का कोटा एडवांस में चाहिए। अरे एक महीने का कोटा? ये क्या बड़ी बात है, पहले मिलाओ तो सही, फिर एक महीने का कोटा फ्री। ओके लो, इसमें मिलाने की बात क्या है? ये मेरा फोन कहाँ है? ये लो, डॉली 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 डॉली, सपना 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 का नंबर क्या है? मेरे पास नंबर, फोन करो ना उसको। क्या नंबर है, मैं भूल भी गई। करो ना, तब तक याद है। तब तक मैं लॉली वा अब। हेलो सपना, हाय डॉली, हाउ आर यू, कैसी हो? या आई एम आल्सो गुड। बोलो कैसे फोन करना हुआ? सपना कल मेरा बर्थडे है, तुम आओगी ना? क्या तुम्हारा बर्थडे है? वाह क्या बात है, आओगी ना? चलो ठीक है, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे बर्थडे में। देखो ना, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं आ रहा है। क्या कहा, तुम्हारे बर्थडे में कोई भी नहीं आ रहा है? कल 8 बजे पक्का? श्योर, आऊंगी लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन आऊंगी। ओके ओके, बाय बाय डार्लिंग, टेक केयर, बाय। ये लो, ये सारी पुड़िया तुम्हारी, और वो सपना है ना, जब कल सपना बर्थडे में आएगी ना तो उसका बर्थडे केक तो मैं बनाऊंगा। अंकल आप भी चलिए ना, डॉली को अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, तुम्हारी पार्टी है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ जल्दी आऊंगी, जानती हूँ आप मेरे बॉडीगार्ड हो ना। जल्दी आऊंगी। ओके। हाय डार्लिंग। हाय सपना। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रीजन ऑफ द डे। आई एम सो हैप्पी। देखो ना अभी तक कोई भी नहीं है। ओ, चलो जाने दो, मैं आ गई ना, बस चलो हम दोनों मिलके तुम्हारा बर्थडे मनाते, ठीक है? तुमने किसी को बुलाया नहीं अभी तक? बुलाया था यार, कोई भी नहीं आया। देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना, चलो हम केक काटते। ओके चलो जलाते हैं ये कैंडल। ओके चलो चलो अभी फूंक मारो जल्दी से। Happy birthday to you, happy birthday dear Dolly, happy birthday to you. No, no. नहीं नहीं नहीं, पूरा खाना पड़ेगा बस। डार्लिंग तुम ना मुझे चार चार दिख रही हो, 1 2 3 4 डॉली। रियली डॉली बहुत अच्छा लग रहा है। डॉली ये क्या है? डॉली ड्रिंक है। डॉली हैप्पी बर्थडे डॉली, तुम्हारा ये बर्थडे मुझे हमेशा याद रहेगा। डॉली डांस करते हैं। अब मैं
उस थप्पड़ का बदला गिन गिन के लूंगा चबा चबा के। सपना, क्या हो गया तुम्हें? या डॉली के बर्थडे में ना, पता नहीं तुमने नशा किया है। हेलो, हु इज देयर? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? विक्की, सपना नशे में? छोटे टिल्लू। हाँ भैया। तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही झटके में दोनों राजाओं को हलाल कर दिया। क्या चक्कर चलाया, मजा आ गया? मजा मुझे बिल्कुल नहीं है भैया, जब तक मैं उस सपना से थप्पड़ का बदला नहीं ले लूँ ना, चैन से नहीं बैठ सकता चबा चबा के। अभी टेंशन मत लेना, अभी तो पेंशन खाने का वक्त आया है। तू देखते रहना, तेरी शादी में सपना से कराता हूँ और तुझे राजगद्दी पे बिठाता हूँ। के साहब, वो क्या कहते हैं, थाली भी हमारी और परौठा भी हमारा। चबा चबा के। अब एक गोटी विक्की के खानदान में फिट हो जाए तो मजा आ जाए। भैया एक गोटी है मगर अक्कल से थोड़ी मोटी है, नाम है। कौन है वो? अरे बाबा कौन है वो? डॉली मेरी गर्लफ्रेंड, जिसको विक्की की दुल्हन बनाना है और उसको बहन बनाकर उसको डॉली में बिठाना है। तब तो के साहब सारी जमीन हमारी। तुम्हारी नहीं, हमारी। जब तक तुम कमिटमेंट का पैसा पूरा नहीं देते, उसके बाद तुम हथियार होगा या अफीम होगा हमारी बला से। नहीं मानेगी तो जान से जाएगी, वैसे भी उसकी जान मेरे कब्जे में है। बला का नाम दिया और बिलाल का फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम कयामत भाई, करम है अल्लाह का। सुना है तुम मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच गए हो। अरे के साहब ने तो ऐसी चाल चली है कि सब प्यादे ही खलास कर डाले, और यही सक्सेस हो गया तो हिंदुस्तान आने का रास्ता कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। के साहब है ओए? हाँ है ना के साहब है ना। हाँ के साहब लीजिए। जनाब बिलाल साहब। जनाब के साहब, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे बारे में। ओए रुपए पैसों की चिंता मत करना, जितना चाहिए बोरियां भर भर के भेज देंगे। ओए लेकिन चाहिए किसी भी हालत में वो जमीन। आमीन। महबूबा मैं तेरी महबूबा 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 महबूबा
महबूबा महबूबा बोला कुर्बान मेरी जान तेरे नाम अब तो कर दूं मैं अपनी शान अपनी शान अपनी शान महबूबा महबूबा मैं तेरी महबूबा 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 मैं तेरी महबूबा मेरे होश मेरे गाल मेरी चाल अरे मैं तो हूँ तेरी गुलाम तेरी गुलाम तेरी गुलाम हायर तेरा गजरा हायर तेरा गजरा हायर तेरा झुमका हायर तेरा झुमका हायर तेरा गजरा हायर तेरा गजरा हायर तेरा झुमका हायर तेरा झुमका तेरा अंग तेरा रंग तेरा रूप गिरनी जैसी तेरी चाल तेरी चाल महबूबा महबूबा मैं तेरी महबूबा 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 मैं तेरी महबूबा विक्रम सिंह उर्फ विक्की सूरजगढ़ का नाम आप खूब रोशन कर रहे हैं। ठीक है आपके बुजुर्गों को नाचने गाने का और शराब वगैरह का शौक था, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें बदनाम किया जाए। पर अंकल वो शराब मैंने नहीं पी थी। ठीक है मैं समझ गया हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है कि कुमार साहब शराब के नशे में यहाँ से बाहर गए थे और आज तक वापस नहीं आए। उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया कुछ पता नहीं चला। ठीक है अंकल, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ। बस इसी में समझदारी है। वो क्या कहते हैं, कयामत खान का फोन आया था। अच्छा, के साहब है ना, वो जमीनों वगैरह का सौदा करना चाह रहे हैं। हाँ, और कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो उनसे मीटिंग है। आप तैयार हो जाए, फौरन उनके घर जाना है। ठीक है अंकल।
ये तो आप जानते ही हैं केके साहब, आज जमीन के भाव आसमान को छू रहे हैं, गांव शहर में तब्दील हो रहे हैं, और पवन अंकल ने जो आपके मैनेजर के साथ तय किया था उस रेट में तो अब ये जमीन नहीं मिल सकती। इसका मतलब है कि आप अपनी जमीन का भाव बढ़ाना चाहते हैं? जी हाँ। हाय भैया, ये हमारे छोटे भाई टिल्लू। चबा चबा के जी आइए, मेरा तकिया कलाम है। आप बाकी बात आपस में कर लीजिए, जाइए। आप बैठिए, आप ही के लिए तो खाना मंगाया है, हैं? लीजिए विकी बाबू ड्रिंक। नो थैंक्स, मैं नहीं पीता। आप नहीं पीते? चीयर्स। विक्की बाबू एक बात पूछूं? पूछिए। आप शहर में आए तो मजा विजा किया कि नहीं? लगता है उस थप्पड़ की गूंज अभी तक भूले नहीं हैं आप। अरे बाप रे बाप, वो थप्पड़ की गूंज तो मुझे अभी तक सामने सुनाई दे रही है। एक बात पूछूं, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? वो जो लड़की जिसके साथ आपने छेड़खानी की थी ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड सपना थी और वो मेरी होने वाली पत्नी है। अब आई बात समझ में? होने वाली पत्नी है? जी हाँ। लेकिन विक्की साहब, उस लड़की ने तो मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या बकवास कर रहे हो? यकीन नहीं आ रहा ना? आ जाएगा जब मैं तुम्हें ये तस्वीरें दिखाऊंगा। सपना, विक्की और इस हालत में? सपना, सपना, बदतमीज, तुम्हारे इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे सपना से मिला। कोई सपना नहीं है यहाँ पर। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे उससे बात करना। सपना, सपना, कोई सपना नहीं रहती यहाँ पर। कितनी बार कह चुका हूँ, दोबारा इस घर में घुसने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा, समझे? Get up! ये वही लड़का है ना जो रात पार्टी में? हाँ अंकल, ये वही लड़का है। अरे ये आपको क्या हो गया? पहले तो आप पार्टी से आप बगैर बताए चले आए और आए भी तो इस हालत में। पवन अंकल, आपने किसी से प्यार किया है? मैंने तो प्यार किसी से नहीं किया। तो फिर क्या जाने आप दिल टूटने के दर्द को? जाइए पहले प्यार करके देखिए। क्या मैं उसके खानदान के बारे में कुछ जान सकता हूँ? जरा हम भी तो जाने। अरे वो कौन है जिसने हमारे कुंवर साहब का दिल तोड़ा है? दिल, मेरी जान। हाँ अंकल, सोमगढ़ का शहजादा विक्रम सिंह है, मेरा विक्की है। सूरजगढ़ की शहजादी सपना, आज के बाद ये लड़का तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। आप उसे भूल जाइए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। पर अंकल, मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार करने का मतलब जानती हूँ? प्यार करने के लिए खुद को प्यार के काबिल बनाना पड़ता है। क्या वो ऐसा है? क्यों? क्योंकि ये रिश्ता इसलिए नहीं हो सकता कि सबसे बड़े हमारे दुश्मन के वो खानदान से है। खुद को प्यार के लिए परवाने की तरह जलाना पड़ता है।
खुद को मिटाना पड़ता है। दुश्मनी? हाँ हाँ दुश्मनी दुश्मनी। दुआएं करते हैं कुंवर जी।
रब ने बनाई दो तस्वीरें आपकी और हमारी। शाम का वादा दुल्हन बनाऊंगा मैं, वादा हम ये करते हैं, वादा हम ये करते हैं। माता, हमारे मन में कोई पाप नहीं है, हम शालिनी से प्रेम करते हैं। हम कुंवर से प्रेम करते हैं पिताजी। क्या कहा? इतिहास में हमेशा ऐसा ही हुआ है कुमार, रियासतें तो छल कपट और अनीतियों द्वारा ही हासिल की जाती है। हम ऐसे इतिहास के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहेंगे दीवान चाचा। हमारी ये शराब से ज्यादा खूबसूरत है। आप चीनी मिलों से मिलकर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए। इस विषय में हम चीनी मिलों के मालिकों से बातचीत कर चुके हैं राजमाता, शीघ्र ही हमारे और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस समस्या को सुलझा लो कुंवर, क्योंकि आज जमाना उद्योग की तरफ बढ़ रहा है। अगर तुमने इस रियासत को ठीक से संभाल लिया तो हम भी हमारे कदम उद्योग की तरफ बढ़ाएंगे। वैसे तो उस जमीन पर कब्जा ठाकुर साहब का है, परंतु कानूनी तौर से वो जमीन सोमगढ़ की है। जिस जमीन पे अपना कब्जा हो वो जमीन तो कौड़ियों के भाव खरीदी जा सकती है ठाकुर साहब। लेकिन इस जमीन को खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है सेठ जी, आप कुछ और सोचिए। तो सोच के आया था वो बता दिया, मिल तो मुझे शास्त्रों के हिसाब से ही लगानी है। जमीन देना काम आपका है, मिल लगाना मेरा। क्या बात, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ लड़कियां रास्ता रोक के खड़ी हैं राजमाता। राजमाता, प्यार करने वाले पत्थर भी मोम बन जाते हैं। हम तो एक इंसान हैं और हम तो अपने प्यार के लिए हर खुशी त्यागने को तैयार हैं। राजमाता, अगर आप चाहे तो हम कभी उस हवेली में कदम नहीं रखेंगे जहां आपके दुश्मन रहते हैं। बस आप हमारे प्यार को एक बार स्वीकार कर लीजिए राजमाता। क्या तुम कुंवर से इतना प्यार करती हो? कितना प्यार करती हूँ ये बताने की क्षमता तो मुझ में नहीं है राजमाता। तुम्हारा प्यार हमें विवशता की डोर में बांध रहा है लड़की। आपको इस प्यार को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा राजमाता। ठीक है, तुम जाओ और सूर्यदेव से कहो कि कल शाम को हम आकर उससे मिलेंगे और वही तुम्हारे भाग्य का फैसला भी होगा। तुमने हमारी इज्जत को दांव पर लगा दिया है शालिनी, हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथों से तुम्हारी हत्या हो जाए। बहन, हत्यारे कहीं प्यार की भाषा नहीं समझते। कुमार, अपनी टांग हर जगह मत अड़ाया करो,
कहीं ऐसा ना हो कि हत्या ही कर सकते हैं आप चाचा, और कुछ नहीं कर सकते। मेरी बंदूक लाओ। अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं पिताजी। एक बात कहूं, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो हमारी शुगर मिल आसानी से लग सकती है। हम उस कन्या को सोमगढ़ की रानी बनाना चाहते हैं। निसंकोच बनाई है सुमन। आज हम खुशी से पागल हो रहे हैं, खुशी से पागल हो रहे हैं। मन करता है कि हम कुंवर के पास उड़कर पहुंच जाएं। आपके कुंवर के विवाह में सोमगढ़ का राजगुरु शामिल नहीं होगा और न ही आपके साथ हम विवाह की बात करने जाएंगे। लेकिन गनी खान, तुम्हें क्या लगता है राजमाता सूर्यगढ़ जाकर इस रिश्ते की बात करेंगी? कुंवर साहब, आज शाम ही राजमाता सूर्यगढ़ जा रही है। आज सोमगढ़ की राजमाता शालिनी के विवाह की वार्ता करने के लिए हमारी हवेली में आ रही हैं। उनके यहाँ आने से पहले हम चले जाएंगे ठाकुर साहब। आपको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। बेटे के मामले में तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज सोमगढ़ और सूर्यगढ़ इस मजबूत रिश्ते में बनने जा रहा है, ये भी तो उसी की कृपा है। हम रिश्ता जोड़ने से पहले हर चीज का खुलासा चाहते हैं। आपका वो जमीन का 500 एकड़ का टुकड़ा हमारी योजना में रुकावट पैदा कर रहा है। सोमगढ़ की जमीन से हमें उतना ही प्यार है जितना कि कुंवर से। राजमाता, सूर्यदेव सिंह कभी किसी के निर्णय से डरता नहीं है। आपका हमारे साथ रिश्ता उसी दिन हो पाएगा जिस दिन आप वो जमीन का टुकड़ा हमें बेच देंगे। हम हमारी पुरानी दुश्मनी को भूलकर हमारे बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। तुमने अपनी निष्ठा के सामने हमारे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब हम बोलकर जाते हैं ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता।
राजमाता ने कहा है कि अब ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। शालिनी, क्या हो गया? शालिनी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब ये खबर कुंवर को मिली तो उन्होंने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। उन दोनों ने तो प्यार के नाम पर अपनी बलि दे दी। उन दोनों की चिताएं तो जलकर शांत हो गई, लेकिन सूर्यगढ़ और सोमगढ़ की दुश्मनी की आग अभी भी जल रही थी। सारा सोमगढ़ जानता है कि ये जमीन सूर्यगढ़ की सरहद में है, फिर तुम्हारी टक्कर चलाने की इसमें हिम्मत कैसे हुई? हमें राजमाता ने हुक्म दिया था छोटे ठाकुर। अपनी राजमाता से कह देना दोबारा इस तरह का हुक्म देने की हिम्मत की। अपने गले से आवाज निकालो दयाराम, और बताओ क्या कहा उसने? बोलो क्या कहा उस खबीज की औलाद ने? उसने बोला कि अगर आप ने उस खेत पर दोबारा हल चलाने के लिए हुक्म दिया तो वो क्या करेगा? तो वो सारे सोमगढ़ में लाशें बिछवा देगा। गरी खान जी, राजमाता वाह, इस साल तक हमने इस क्रोध को पिया है जी। अब हमें और बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, हम सूर्यदेव को आज ही जवाब देंगे। चलो हमारे साथ। जी राजमाता, आओ। सूर्यदेव सिंह को नाम से पुकारने वाली ये किस औरत की आवाज है? हमने आपको प्यार के मायने तो समझा दिए, पर अफसोस ये ना समझा सके कि एक शराबी जो अपना भविष्य नहीं संभाल सकता वो आपको क्या संभालेगा। मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई अंकल। डॉली मेरी बहना, सदा सुखी रहना, आहा मेरी बहना, विकी का बन जा गहना। और विकी से कर ले प्यार। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी यार, मैं हूँ बिल्कुल तैयार। वादा करो हमेशा तैयार रखोगे ये खुराक जब हम नींद से जागेंगे। आए, आए, तेरी यही तो अदा मुझे पसंद है। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। ये चेक और ये मेट
और ये राजा? नहीं 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 नहीं, ये ढाई की चाल है भाई, खेल खत्म हो गया। तब राजा गया? सब खत्म, सब खत्म। भैया इस चेस को मारो गोली, और वो देखो डॉली आई है मेरी बहना। ओ झकास, क्या झकास है, कहाँ से फंसा है भाई? भैया वो अब हमारी बहना है, उसको विक्की के संग रहना है। ओहो, सॉरी सॉरी, उसको समझा दिया ना क्या करना है? अरे भैया सब समझा दिया। वेरी गुड। अब चेक और मैट। यस। मिस्टर केके, अगर आप जमीन के सिलसिले में आए हैं तो आप गलत जगह पर आए हैं। जी नहीं, इस बार मैं गलत नहीं, सही दरवाजे पाया हूं। कहीं आपका इशारा? जी मेरा मतलब है इस जान पहचान को रिश्तेदारी में बदल दो। क्या है ना धर्म सिंह जी, इस 500 करोड़ की एस्टेट का बोझ इन कंधों पर उठाया नहीं जाता। उम्र हो गई ना, वैसे मेरा इकलौता भाई है, होनहार है, बिजनेस पे ध्यान देता है, अगर उसकी शादी हो जाए तो समझू गंगा नालिया। कहीं आपका इशारा, हमारी बिटिया? पहली बार क्लब में देखा था तो मन को भा गई थी देवी जैसी मूरत, बस शादी करके लक्ष्मी घर में आ जाए तो समझूंगा सारे तीर्थ नहा लिए। मैं पहले आपके भाई से मिलना चाहूंगा। अच्छा, वो तो हरिद्वार में स्नान करने के लिए गया है, आते ही मिला दूंगा। ओके। नाइस शॉट। पवनराज जी, मैंने धर्म सिंह जी से बातचीत की है, मेरे ख्याल से जवाब हाँ में ही होगा। ये तो बहुत ही अच्छा है। अब जमीन के हाँ के साथ अब मेरी बेटी के रिश्ते के भी हाँ कर दे तो मैं समझूंगा गंगा ना लिया। मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए पवनराज जी, मैं हूँ लड़की का पिता। जी जी। लड़की का बोझ तो आप समझते हैं। वो तो है। और ये मेरे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरी खाली है। जी। वैसे हमने विक्की को नशे की हालत में इस क्लब में दूध देखा था, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि यही वो हीरा है जो हमारी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा सकता है। बस अब आप ना मत कीजिएगा। मगर हमें आपकी बेटी से मिलना पड़ेगा, एक बार उनसे मिलवा दीजिए। जरूर जरूर, लेकिन फिलहाल वो वैष्णो देवी गई है। वैष्णो देवी? ये तो बहुत बढ़िया है। जैसे वो आती है, मैं आपको मिलाता। माता के दर्शन करने गई है, बहुत बढ़िया बात है भाई। देखो बेटा, हमने आज तक तुम्हारा भला चाहा है, तुम्हें जब जब जो कुछ मांगा हमने तुम्हें दिया है, लेकिन आज जो हम तुमसे मांग रहे हैं उसे तुम मना मत करना। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। पर अंकल मैं, इसका मतलब आपको हम पर भरोसा नहीं है। अंकल आप हमारी जान लीजिए, मगर ऐसी बातें राजकुमारों को शोभा नहीं देती है। अपना जिगर मजबूत करो और अपने जीवन की जंग लड़ो, समझे? जानती हूँ अंकल, आप मेरा भला ही सोचेंगे, आपका जो भी डिसीजन है मुझे मंजूर है अंकल। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल बेटी। बेटा समझो मेरी बात को। अरे बेटा हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, समझो मेरी बात को बेटा। ये रहा आपका दामाद और हमारा भाई टिल्लू। शुक्रिया केके साहब, मुझे तो लड़का पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लड़का लड़की एक बार एक दूसरे को देख लें तो ज्यादा बेटर होगा। सही फरमाया आपने। बेटा वो सामने मेरी बेटी खड़ी है, जाओ और अपने इंट्रोडक्शन खुद दो। क्यों नहीं, आप चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। चबा चबा की। तो मैं क्या कह रहा था आपको, हाय सपना, हाउ आर यू? तुमने जो भी सोचा है मेरे बारे में गलत सोचा है, क्योंकि उस दिन तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। असल में डॉली मेरी बहन है, वो जो मैं, तुमने देखा होगा मैं उसके आंखों में झांक के देख रहा था, वो गलतफहमी थी।
मैं एक्चुअली उसके आंखों में से कचरा निकाल रहा था। टीलू चबा चबा के आप अगर अपनी बेटिया को ले आते तो कितना अच्छा होता। देखिए पवन जी, आपके लिए पार्टी है, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। वो देखिए विक्की, उस दिन तुमने जो भी देखा था वो सब दिखावा था। अच्छा, वो रही आपकी बहू। अरे वो तो बड़ी सुंदर है। अरे केके जी, मिठाई मंगाइए। आपको तो पता है कि मैं मिठाई का कितना शौकीन हूँ। डॉक्टर कितना कहते हैं कि मिठाई मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन मैं डॉक्टर की एक नहीं सुनता। मैं तो रोज मिठाई खाता हूँ। भाई मिठाई की जय हो। बोल रहा हूँ। हाँ कहिए बिलाल खान साहब, कैसे याद किया? अरे भाई केके साहब, शादी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है ओए। मैं मानो को नहीं बुलाओगे ओए? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आपके बगैर शादी का जश्न एकदम अधूरा लगेगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, हाँ शादी हो रही है सूरजगढ़ के जमीन पर, आपको भी बनना है वहाँ का रह गुजर। वाला डायलॉग तो तुम बहुत अच्छा बोलता है ओए। हम जरूर आएगा, जरूर आएगा ओए। सब तैयार रहना, फेरे उसी राजस्थान की बॉर्डर की जमीन पर होंगे और सगाई की रस्म मुंबई में। जैसे ही घंटी बजेगी अंगूठी पहनाई जाएगी तो कुंवर कुंवरियों को अपने कब्जे में ले लेना। पहले कागजात पर दस्तखत होंगे और उसके बाद में उनको उठा के सीधे फेरे वहीं करवाए जाएंगे। जैसे ही फेरे होंगे ओए, तो उन दोनों का काम तमाम। गुड मॉर्निंग केके साहब, आपने बुलाया और हम चले आए। अब बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए मैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। केके साहब और कमिश्नर के साथ, वो भी सुनसान जगह पर, और साथ में कयामत भाई भी नहीं। तुम एक काम करो ए, मुंबई शहर में जो अपने साथी लोग हैं ना, उन सबको इकट्ठा करो ए। मैं पूछता हूँ। ठीक है भाई जान। हाँ Thank you.
अच्छा है, इंतजाम अच्छा है के साहब, सगाई तो करवा दी, अब बारी शादी की है, और शादी के हमने कर दिए हैं सारे इंतजाम नाच गाने के साथ। लेकिन अब यहां से आपका काम खत्म, हमारा शुरू खेल। फेरे फेरे अच्छी तरह से करवाना, समझ गए ना? शायद उनकी जिंदगी में दोबारा ऐसे फेरे ना हो, इसीलिए अच्छी तरह से फेरे यादगार भी तो होने चाहिए ना। भाई कुछ समझा नहीं। कौन भाई? नहीं समझे? बिलाल खान को समझने के लिए समझ का समंदर चाहिए। ओए समंदर, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ओए, और हम यहाँ पर सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ओए सबसे बड़े खिलाड़ी, और अब हो जाएगी सारी जमीन हमारी। उठा लो। ए, क्या समझता है? हमने ये सारा ड्रामा तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए किया था, समझे? बाजी पलट गई। पलट गई, बंद करो नाच गाना, समझे? तुम जैसे चूहों को बिल में बुलाने के लिए मीठा सा स्वीट सा लड्डू रखना पड़ा। बिलाल खान, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम जानते हो ये मिस्टर केके बिल्डर ये कौन है? ये है रॉ के बहुत बड़े ऑफिसर। और कुछ दिन पहले जब इन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि तुम्हारा क्या प्लान है, किस तरह तुम हथियार बाहर से लाकर राजवाड़े की जमीन में छुपाना चाहते हो, तो इनके साथ हमने प्लान किया कि किस तरह तुम्हें यहाँ बुलाया जाए और अपने सारे आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इनका जो असिस्टेंट है ना टिल्लू, वो भी तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था, और उसने तुम्हारे मुखबिर पे पूरी नजर रखी हुई थी। और जब टिल्लू मुझसे मिला, पहले तो मैं उससे गुस्सा था, पर जब उसने मुझे सच्चाई बताई कि हमारी जमीन को हासिल करने के लिए बिलाल खान कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो मुझे दुबई का वो सीन याद आ गया जब मुझ पर हमला हुआ था। इंडिया लौटने के बाद जब मैं गलत फहमी का शिकार होकर धर्म अंकल से मिला, तो उन्होंने मुझे षड्यंत्र का एक और पहलू बताया, कमिश्नर के साथ हुई बातचीत भी बताई, और मैं नादान बनकर इस नाटक में शामिल हो गया। क्योंकि सपना भी सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने भी हम लोगों का साथ दिया। इसलिए मैं और सपना मिलकर सगाई और शादी की अदला बदली में शामिल हो गए बिलाल खान। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, केके उर्फ कृष्ण कुमार के साथ हम सब की जुबानी। बिलाल खान, तुम्हें जिस पे गर्व था ना कि वो तुम्हारा खबरी है, ये कयामत खान, ये तुम्हारा खबरी नहीं है, ये मिस्टर केके का यानी कि रॉ का आदमी, उनका असिस्टेंट है। देश को आप जैसे लोगों पे गर्व है कयामत भाई, और एक मुसलमान तुम हो जो इस देश में आतंकवाद फैलाकर
इस देश की जड़ें कमजोर करना चाहते हो। लानत है तुम्हारे पे। लेके चलो सबको, चलो लेट्स गो, चलो। थैंक यू मिस्टर केके। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है कमिश्नर, अभी तो खेल की शुरुआत है। जरा पीछे तो देखो। मानव बम है, किसी ने जरा से भी हरकत की ना तो ये बटन दबा देगी, मतलब हम सबके चीते। उठा लो अपने अपनी बंदूकें। तुम्हारा आखिरी खेल भी खत्म हुआ बिलाल खान। चलो ले चलो इन सबको, चलो चलो लेके आओ सबको। चल कोई भी हरकत नहीं करेगा, चल 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 कोई भी हरकत नहीं करेगा। चल सर जी, ब्रिलियंट आइडिया सर जी, कमाल आइडिया सर जी, मैजिक आइडिया। मुबारक हो भाई, शादी की तारीख तैयार हो गई। अब हनीमून के लिए कहाँ जाना है तुमको, क्या प्रोग्राम है भाई, हमें भी तो बताओ। ये तो विकी पे डिपेंड करता है। ना ना, फैसला विकी पर नहीं है, बिलाल खान करेगा। क्या तुम्हारा हिस्से में हनीमून आता है या मौत, समझे? बिलाल खान की आखिरी चेतावनी है, आखिरी बार कह के जा रहा है। कह देना विकी को कि हमें तो चाहिए कागजात जमीन, और छुड़ा के ले जाए वो देने के बाद कागजात वो अपनी हसीना। चलो बिलाल खान, बिलाल खान, तू है एक नंबर का कुत्ता कमीना। न्यूज़ पर तो तेरी खबर सुनी थी कि तू जेल से फरार हो गया है। आया हूँ सो जाऊंगा, देख कर तुझको प्यार होए। गद्दार नहीं हूँ मैं, हूँ यारों का यार, इसलिए मैं कहता हूँ आकर मुझसे तकरार, दस्तखत कर कागजातों पर और ले जा अपना प्यार बेशुमार, समझा?
दिल दीवाना है पागल, करता है मीठी मीठी बातें, तेरे बिना मेरी जान कटती नहीं दिन रात। दिल दीवाना है पागल, करता है मीठी मीठी बातें, तेरे बिना मेरी जान कटती नहीं दिन रात। मैं हूँ दुबई में तुम मुंबई में, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ मैं। मैं हूँ मुंबई में तुम हो दुबई में, दिल्ली की आओ मेरा और क्या बताऊँ मैं। मैं हूँ मुंबई में कमी पूरी ना तरसा, अब जल्दी आ जा तुझको कसम है मेरी। आई एम इन दुबई, यू आर इन मुंबई, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं मैं।